उसका एक्सरसाइज 10.6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या है इस एक्सरसाइज में। आपकी जो एक्सरसाइज 10.6 है, तो मैंने आपको 7.5 में बताया था कि प्रॉफिट और लॉस निकालना सिखाया था 7.5 में। तो हम 7.6 में उसी फॉर्मूले को यूज करके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको फाइंड द सेलिंग प्राइस, मतलब आपको एसपी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको एसपी निकालना है। एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको भी बताया था, पर प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। हम क्या करके पता करते हैं पहले एसपी बढ़ा है या सीपी बढ़ा है। अगर एसपी बड़ा होता है तो हम मान लेते हैं कि एसपी अगर बड़ा होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यही होता है। अब हमें प्रॉफिट दे रखा है और सीपी दे रखा है, पर एसपी नहीं दे रखा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, हमें सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी हमें दिया हुआ है 1250 रुपीज, सीपी हमें 1250 रुपीज दे रखा है। उसके बाद प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 75 रुपीज। आपको एसपी निकालना है, एसपी फाइन करना है आपको, तो हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे। प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, 75 रुपीज दे रखा है। और एसपी कितना दिया हुआ है, दिया ही नहीं, तो एसपी आप ऐसे ऐसे काटेंगे, फिर माइनस का साइन है, इसमें माइनस देंगे। सीपी कितना दिया हुआ है आपको, 1250। इस फॉर्मूले में रख के हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, एसपी दे दिया, सीपी दे रखा है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इधर देखिए माइनस में है 1250, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 75 प्लस 1250 इज इक्वल टू एसपी। ठीक है, ये हो गया। अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 1250 को और 75 को प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका 1325। तो ये आपका एसपी हो गया, एसपी निकल गया आपका 1325, यही आपका आंसर हो गया। सेम ऐसे इसके दो क्वेश्चन और है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपको सीपी दे रखा है और लॉस दे रखा है, तो एसपी निकालना होगा आपको, ठीक है। लॉस मतलब इसके जो फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप लॉस को फॉर्मूले पे रख के करेंगे, क्योंकि आपका आपको लॉस दे रखा है और सीपी दे रखा है, ठीक है। लॉस के फॉर्मूले पे रख के करेंगे और थर्ड वाले में आप इसी फॉर्मूले पे रख के करेंगे प्रॉफिट के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। तक क्वेश्चन देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन।
ब्लैंक्स है, मतलब आपको खाली जगह भरनी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं उसको भी, देख लेते हैं इसको भी एक बार। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको। फर्स्ट 31st में दे रखा है, ए शॉपकीपर बाउट अ चेयर फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड इट लेटर 275 रुपीज, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ। मतलब एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है, उसने एक चेयर खरीदा 250 रुपए का। चेयर कितने का खरीदा? 250 रुपए का। और उसने बेचा कितने का है, सोल्ड कितने का किया है? 275 रुपए का। और उसने प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट कितना बनाया वो हमें निकालना। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा कितना है 275 और सीपी 250। तो माइनस प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा, कि प्रॉफिट कितना है 275 से 250 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 25। तो 25 से प्रॉफिट बनाया है अपने लिए, तो यहाँ पे फिल टैक्स में क्या आ जाएगा, 25 रुपीज। ठीक है, 25 रुपये उसने प्रॉफिट बनाया अपना। सेकेंड के लिए थर्ड का ही, वेन सेलिंग प्राइस इज डैश देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट। जब आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस से, आपको पता है कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा हो या कम हो, आपको वो पता है, ग्रेटर हो या लेस हो, कि प्रॉफिट बन जाए हमारा, मतलब प्रॉफिट आना चाहिए आपका। एसपी हमें ये पता करना है कि एसपी बड़ा होना चाहिए या सीपी बड़ा होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा एसपी और सीपी में से एसपी बड़ा होगा तो हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है, और सीपी बड़ा होता है तो हमारा क्या बनता है, लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिख रहा है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, फिर सी में देखिए, इफ समथिंग इज बाउट एंड सोल्ड एट द सेम प्राइस देयर इज नो डैश और डैश। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, सपोज आपने ये मार्कर खरीदा है, आपने 20 रुपये का मार्कर खरीदा है, आप 20 रुपये में ही बेच दिया, तो आपका क्या नहीं बनेगा, प्रॉफिट बनेगा आपका, नहीं बनेगा। आपने 20 का खरीदा, 20 का बेच दिया, लॉस बनेगा आपका, नहीं होगा। तो जब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट और लॉस, मतलब अगर आपने कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपने खरीदी है, जितने रुपये में खरीदी है उतने रुपये में बेच देंगे, तो ना प्रॉफिट बनेगा और ना ही लॉस बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ में, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज देन लेस द कॉस्ट प्राइस देयर इज ए। अगर आपकी सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो, तो आपका क्या बनेगा, लॉस होगा, तो आप लिखेंगे लॉस। ये मैंने थर्ड के फर्स्ट में बता दिया, थर्ड के फर्स्ट में 25 रुपीज आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए, थर्ड के फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में 25 रुपीज हो जाएगा। बी में क्या होगा, ग्रेटर देन होना चाहिए ना, ग्रेटर देन द, मतलब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तभी तो हमारा प्रॉफिट बनेगा। और थर्ड में अगर हमने कोई भी वस्तु जितने रुपये में खरीदा है उतने रुपये में बेच देंगे तो हमारा ना ही प्रॉफिट बनेगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देयर इज अ, अगर हमारी सेलिंग